नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम रुपेश और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बिहार टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ शॉपी ऐप से मंगाए गए आइटम या सामान को रिटर्न कैसे करते हैं, और साथ में आपको ये भी बताऊँगा कि शॉपी ऐप से मंगाए गए आइटम को रिटर्न करके हम पैसे वापस कैसे लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं शॉपी ऐप से मंगाए गए आइटम को रिटर्न कैसे करते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इस तरह का हेल्प वीडियो को देखने के लिए बिहार टेक्निकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटों को उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन से शॉपी ऐप को ओपन कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं कि शॉपी ऐप का होम पेज ओपन हो चुका है। इसके बाद आपको सबसे नीचे आना है दोस्तों, यहाँ पे आना है जहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंट, आपको अकाउंट पे ही क्लिक करना है। जिससे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका सारा कुछ इस तरह के इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे लिखा हुआ माई ऑर्डर्स, आपको माई ऑर्डर्स पे ही क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस आएगा, जिससे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं। दोस्तों, आप शॉपी ऐप से जितने भी आइटम को मंगवाए होंगे या ऑर्डर किए होंगे आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो अब जिस आइटम को रिटर्न करना चाहते हैं और अपने पैसे वापस लेना चाहते हैं आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं कि सबसे ऊपर मैंने एक टाइमर को मंगाया हूँ, इसको हमें रिटर्न करना है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। तो आपको जिसको रिटर्न करना है आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आइटम को रिटर्न करने के लिए आपको नीचे आना है दोस्तों, यहाँ पर आना है जहाँ पर लिखा हुआ है रिटर्न पॉलिसी वैलिड टिल, और यहाँ पे डेट लिखा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दूँ, मीशो ऐप से किसी भी सामान को मंगाते हैं तो इसके लगभग एक हफ्ते तक रिटर्न पॉलिसी डेट होता है, उसी डेट तक आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इस आइटम को मंगाया हूँ, ये इसको 8 जून तक हम रिटर्न कर सकते हैं। 8 जून के बाद चाहेंगे रिटर्न करने के लिए तो हम नहीं कर पाएंगे। तो आइटम को रिटर्न करने के लिए नीचे मिलेगा आपको रिटर्न का बटन, आपको रिटर्न के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस आ गए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आप किस रीजन से इसको रिटर्न करना चाहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले वाले ऑप्शन है कि टूटा फूटा डैमेज है, तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। यदि इसमें कोई मिसिंग पार्ट है तो आपको सेकंड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, और रॉन्ग आइटम रिसीव हुआ है तो आपको थर्ड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इस तरह से यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, तो जिस रीजन से आप इसको रिटर्न करना चाहते हैं आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो चलिए, यहाँ पर हम सबसे लास्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, रीजन को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको और भी रीजन पूछा जाएगा। तो नीचे आपको और भी रीजन यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जो रीजन आपको यहाँ पे दिया होगा। इसके बाद यहाँ पे कमेंट बॉक्स दिया गया, कमेंट बॉक्स में आप कुछ लिखना चाहते हैं रीजन के बारे में तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलिए, हम ये लिखते हैं कि क्वालिटी नॉट गुड। तो इस तरह से आप जो रीजन यहाँ पे लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे कंडीशन के बारे में आपको बताया गया है, तो आपको यहाँ पे दोनों बॉक्स को टिक कर देना है। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पे कंटिन्यू के बटन है, कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे दे सकते हैं कि रिफंड का यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। यदि यहाँ पे रिफंड सिलेक्ट नहीं हुआ है तो आपको अपना बैलेंस को वापस लेने के लिए आपको यहाँ पे रिफंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे दे सकते हैं कि ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है, और यहाँ पे दे सकते हैं कि हमारा कितना रुपया रिफंड होगा, यहाँ पे आप दे सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे आना है। दोस्तों, यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, यदि आप गिफ्ट कार्ड वॉलेट में आप लेना चाहते हैं, यानी कि इस एप्लीकेशन का जो वॉलेट है उसमें आप लेना चाहते हैं, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन को टिक करना है। यदि आप चाहते हैं अपने बैंक अकाउंट में अपने बैलेंस को वापस करने के लिए लेने के लिए, तो आपको नीचे वाले ऑप्शन को टिक करना है, जहाँ पर लिखा हुआ बैंक अकाउंट। तो फ्रेंड्स, हम जो रिफंड लेना चाहते हैं अपने खाते में लेना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट के सामने मैंने टिक कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मिलेगा आपको ऐड न्यू बैंक अकाउंट, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस आएगा, जिससे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं। दोस्तों, आप जिस खाते में पैसे वापस लेना चाहते हैं आपको उसका डिटेल यहाँ पे डालना है। सबसे पहले आपको IFSC कोड को सबसे ऊपर डालना है, इसके नीचे अकाउंट नंबर को डालना है, इसके नीचे अकाउंट नंबर को दोबारा से डालना है, इसके नीचे अकाउंट होल्डर का नाम डालना है, यानी कि जिनके नाम से खाता है उनका नाम डालना है, इसके नीचे मोबाइल नंबर डालना है। बैंक का डिटेल डाल देने के बाद में आपको नीचे मिलेगा ऐड न्यू अकाउंट, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको कन्फर्म के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका बैंक ऐड हो जाएगा। दोस्तों, जहाँ पे हमने बैंक को सेलेक्ट किया था, इसके नीचे आपको मिलेगा एग्जिस्टिंग अकाउंट, आपको इस पर क्लिक करना है। और जो आप अकाउंट को ऐड किए हैं यहाँ पे शो हो जाएगा, तो उस अकाउंट को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अकाउंट को सेलेक्ट कर लेने के बाद में आपको नीचे मिलेगा सबमिट रिक्वेस्ट, आपको सबमिट रिक्वेस्ट पे ही क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस आएगा, जिससे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं। दोस्तों, हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, इतना प्रोसेस करने के बाद डिलीवर बॉय आपके घर पे आएगा, और आप जिस आइटम को रिटर्न किए हैं उसको वापस ले जाएगा। वापस कर देने के बाद में 2-3 दिन के बाद में आपके खाते में पैसे रिटर्न आ जाएगा।
जो आप बैंक ऐड किए हैं उसी बैंक अकाउंट में आपका पैसे रिटर्न आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप शॉपी ऐप से खरीदे गए आइटम को रिटर्न करके आप पैसे को वापस ले सकते हैं। आप सभी को वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस तरह का वीडियो को देखने के लिए बिहार टेक्निकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटों को उसको दबा के और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। मिल जाएगा इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।